आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ है। गाइस तो फाइनली पहुँच चुके हैं पार्क, जो कि ये जमुना ब्रिज के जस्ट बगल में ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इसका गेट है। अभी हम खड़े हुए हैं गेट के बाहर, तो अब चलते हैं गेट के अंदर, तो देखते हैं गेट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार का ये पार्क है। फिलहाल धूप के मारे कुछ वीडियो कुछ साफ नहीं आ रही है, क्या आप मेरे चेहरे पर ध्यान मत दीजिए। फिलहाल आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, धूप के मारे ऐसे ही बेकार मेरा चेहरा दिख रहा है। देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो चलिए गाइस चलते हैं अब अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस वक्त शायद डीएम बंगला है। अभी जो पीछे आप जो चित्र देख रहे हैं, पेड़ पौधे और कुछ घर भी दिख रहा होगा। यहाँ पर लोग शायद कोई कुछ काम चल रहा है, जो गिट्टी पड़ी हुई है मेरे डब्बे। ऐसे डस्टबिन रखे हुए हैं ताकि कोई यहाँ पर प्लेस पर कूड़ा ना फैला सके। बचपन में तो हम इसे विद्या पेड़ के नाम से जानते थे, अब बताइएगा कि ये किस चीज़ के पेड़ हैं। गैस तो आप पीछे देख रहे हो कि वो बना हुआ प्लांट, ये पीछे ये मंदिर का एक मंदिर के सामने वाला घर है। यहाँ पे तो खैर मैं बहुत कम आता हूँ। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई आया होगा तो उनका कुछ सामान पड़ा हुआ। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, गोकुल यानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणम। गाइस तो मैं घूमते घूमते काफ़ी थक गया था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही थी, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर बैठ गया। बैठा नहीं, एक्चुअली खड़ा हुआ हूँ। ये आप मेरे पीछे रेलिंग देख सकते हैं, इसमें टिका हुआ। ये देखिए पीछे, मेरे पीछे एक लोग भी खड़ा हुआ है, और आप ऊपर देख के बताइए किस चीज़ के ये पोस्टर लगे हुए हैं। ये कुत्ता देखिए कितना ही थप्पे से सो रहा है। ये आप देखिए कि ये घोड़ा किस प्रकार का दिखता है। डीजे आदित्य आदित्य ये
नीचे चराई बनी हुई किस चीज़ की चराई है, इसमें शायद बस पानी वगैरह भरने के लिए बनी हुई है। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। और ये यहाँ किस चीज़ का पेड़ लगा है ज़रा पास से देखते हैं। ये इस चीज़ का पेड़ है लगा है। गाइस मैं आप लोगों को एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए देखिए ये देखिए एक घोड़ा बना हुआ है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके मैं आगे से आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे से किस प्रकार का लगता है। इसमें आगे ही आप देख सकते हैं, आगे इसके आगे एक हाथी बना हुआ है। हाथी भी आपको देखने को मिल सकता है। और उसके आगे क्या है, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इस पर क्या लिखा है तो पास में जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, जो कि इसको देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है ये हाथी। गाइस इसकी आंखें देखिए कितनी अच्छी है। तू है लाजवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब।